माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक, जी हाँ, खंड दो, जोधपुर से पचपदरा सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 25 का संधारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रत्युत्तर निम्न है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जोधपुर पचपदरा खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 25 के उन्नयन करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर वर्तमान में 2 लेन पेव्ड शोल्डर से 4 लेन/6 लेन में उन्नयन करने का निर्णय ट्रैफिक गणना के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ही किया जाएगा। पचपदरा से बालोतरा सड़क का संधारण रिडकोर ओब्लिक्स राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में इस सड़क को 6 लेन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड 3, जोधपुर से पचपदरा सड़क को 6 लेन बनाने के निर्माण कार्य की स्वीकृति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं पचपदरा से बालोतरा सड़क को 6 लेन बनाने के निर्माण कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार की परस्पर प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा सा निवेदन है कि रिफाइनरी के कारण दबाव बढ़ा है तो सरकार बनाने का 4 लेन/6 लेन बनाने का विचार रखती है या नहीं रखती? माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल माननीय सदस्य की पीड़ा जायज है, क्योंकि रिफाइनरी है वहाँ पर, रिफाइनरी के लिए इसको 4 लेन/6 लेन, हमने NHAI की जो NHAI इसकी DPR बना रही है। पर मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि 2015 से लेके 2017 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 50 NHO की घोषणा की कर दी गई, और आज तक उस NH में से माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर पत्र लिखे, मैंने भी केंद्रीय मंत्री जी से मिला कि जो आपने घोषणाएं की हैं इनकी आप पूर्ण रूप से सहमति प्रदान करें, पर आज तक सहमति प्रदान नहीं की है, और सिर्फ एक NH की हमारे राजस्थान को घोषणा हुई है। तो इससे बड़ा दुखद काम कोई हो नहीं सकता, क्योंकि सड़क वो चीज है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर, राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सड़क पे हर व्यक्ति, हर जाति धर्म का व्यक्ति चलता है, पर इस तरीका से जो राजस्थान सरकार के साथ भेदभाव हो रहा है वो बहुत निंदनीय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पीड़ा को समझा, इनकी भावना हमारे प्रति है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री कैलाश संजय मेघवाल।